हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज क्लस्टर सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो जिन स्टूडेंट को 2023 में बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी बैंकॉक, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो फ्रेंड्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी है आपका 1945। तो फ्रेंड्स, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1948 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रीलंका में निम्न में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी सिंहली, ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी मुस्लिम। तो फ्रेंड्स, श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग है किसका है सबसे ज्यादा? सिंहली। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी अमृतसर में। तो फ्रेंड्स, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1998। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो हेमेटाइट का संबंध लौह अयस्क से है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितने चीजों पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए तीन, ऑप्शन बी चार, ऑप्शन सी सीता, ऑप्शन डी दो। तो फ्रेंड्स, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीजों पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तीन चीजों पर निर्भर करता है। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा या फिर मंत्रिमंडल, पंचायती राज की संस्थाएं। तो फ्रेंड्स, आठवां का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचायती राज की संस्थाएं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 14 दिसंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो फ्रेंड्स, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर। दसवां प्रश्न है आपका, लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक हैं अलग अलग एक समान अच्छे या फिर बुरे? तो फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक में सभी नागरिक एक समान है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो भारत में मानवाधिकार का आयु कितनी है फ्रेंड्स? 18 वर्ष। तो मताधिकार का आयु 18 वर्ष। राइट आंसर 11वां का ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा विकसित देश है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, विकसित देश है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर ऑस्ट्रिया? तो फ्रेंड्स, 13वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1986। तो फ्रेंड्स, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1986। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1993, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1995, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1990, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1985। तो फ्रेंड्स, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं? ऑप्शन ए उत्पादन, ऑप्शन बी वितरण, ऑप्शन सी विदेशी निवेश, ऑप्शन डी व्यय। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रेंड्स, इस पे दो प्रश्न बनता है। आप कर सके विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है और इस स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जेनेवा। तो फ्रेंड्स, 18वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग, कृषि, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि। राइट आंसर ऑप्शन बी। 20 क्वेश्चन है आपका, 20वां प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान। तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, ये थी क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।